फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी खस्ते की रेसिपी, जो हम बनाएंगे सत्तू से। ये देखिए, बहुत ही जालीदार खस्ते और सॉफ्ट से। इनके अंदर भी आपको दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे खस्ते लगते हैं ऐसे। आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और खस्ते के लिए हमने यहाँ पर लिया है, ये हमने 1 किलो मैदा लिया है, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच अजवाइन और 1 कटोरी हमने ये ऑयल लिया है मोइन के लिए। अब हम इसमें सभी चीज़ें मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और हमारे यहाँ नंद के बच्चे आए हैं तो उनके लिए हम बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा बना रहे हैं। और ये देखिए, हाथ से अजवाइन को क्रश करके डालेंगे तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हम दही डाल देंगे इसी में, हम डाल देंगे ये ऑयल। पहले हम थोड़ा डालेंगे, फिर देखकर हम और डाल लेंगे अगर हमें लगेगा कि कम है। और इसको अच्छा सा हम डो बना लेंगे, स्मूथ सा। और हम मैदे को कुछ इस तरह से टाइट सा डो बना लेंगे और इसको हम रखेंगे, यानी बना लिया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे सत्तू के खस्ते, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये हम अलग स्टाइल में बनाकर आपको बता रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम सत्तू, और ये हमने 2 बड़े प्याज चॉपर से चॉप कर लिए हैं काफ़ी बारीक से। और इसमें हम डालेंगे हरी धनिया, लहसुन बिल्कुल बारीक हमने उससे चॉपर से चॉप कर लिया है। और ये अदरक, हरी मिर्च, सबको हमने चॉपर से चॉप किया हुआ है, नमक और 1 नींबू। इनको हम इसी में मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी ये सत्तू के खस्ते बनते हैं। अब हम इन सबको इसी में हम मिक्स कर देंगे। पहले हम डालेंगे प्याज, और बहुत ही टेस्टी ये सत्तू के वो बनकर, जैसे लिट्टी बनती है उसी तरीके से ये बनकर तैयार होगी, और लिट्टी से भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, ये अदरक, और इसका टेस्ट आप पूछिए ही मत, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हरी मिर्च हम डाल देंगे इसमें, और डाल देंगे ये सारी हरी धनिया, और इनको डालने के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए। हमने जो मैदे में थोड़ा सा नमक डाला है, सब्जी में भी हम नमक डालेंगे, तो ज़्यादा नमक तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। और इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से मिक्स करने में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे अभी हम, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो डालेंगे, क्योंकि जो ये हमने प्याज डाला है इसमें भी पानी काफ़ी होता है। पहले हम मिक्स कर लेंगे, और इसी में हम डालेंगे नींबू का रस, ऐसे निचोड़ देंगे, हमने बीज हटा दिए थे पहले से ही। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क कर, क्योंकि खस्ते में भरा जाएगा तो थोड़ा सा गीला हमको चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक वैसा डो बना, यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमें डो फॉर्म में बना लेना है। ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना सूखा होना चाहिए, ऐसे बंध जाए हाथ से, तो ही हमारे खस्ते बहुत अच्छे बनेंगे, ये खस्ते में चिपक जाएगा। चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं इसकी आलू। अब हम बनाएंगे आलू, जिसके लिए हमने लिए कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल रखा है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है। और डालेंगे यहाँ पर
एक डेढ़ चम्मच हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर एक चम्मच भरकर हींग, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हम डालेंगे करीब एक चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं और क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मसाला लगेगा, यानी दो चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हम छिलके वाली लेंगे, इनको छीलना बिल्कुल नहीं है। अगर हम छील देंगे तो ये आलू सब एक ही में मिक्स हो जाएंगे बनने के बाद, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी में हम डालेंगे मोटी कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, और थोड़ी चटपटी सी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला करीब एक चम्मच, और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि पकने के लिए थोड़ा सा पानी तो चाहिए ही, तो हम इसमें करीब एक गिलास पानी हम डाल देंगे। और इसको मिक्स करके हम थोड़ा सा ढककर पकाएंगे, फिर हम खुला ही पकाएंगे इसको। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि ये पानी भी सूखे और अच्छे से पक जाए जल्दी से। और इसकी आलू भी बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे, इस तरह से चटपटी सी। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। और यहाँ देखिए सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम ये हरे मिर्च रख देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम सब्जी से ऐसे ढक देंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे इसी में मिर्च। और ऐसे करके हम इनको एक थाली से ढक देंगे और ये अच्छे मिर्च एकदम पक कर तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया ढेर सारी, इससे टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है आलू का। और हरी धनिया डालने के बाद इसको हम ऐसे ढक देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमने सत्तू को मिक्स करके रखा था, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, आधा चम्मच ही हम जीरा डाल लेंगे, और थोड़ी सी ये हम डाल देंगे कलौंजी, और इसको चटकने देंगे थोड़ा सा। ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसको सत्तू को इसी में डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये खस्ते। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेंगे। अब हम यहाँ खस्तों को तैयार कर लेंगे। पहले हम लोइयां तोड़ेंगे इसकी, मैदे की, और मैदा भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसको हल्का सा मसल लेंगे पहले, मसलना बहुत जरूरी होता है, तभी अच्छे खस्ते बनते हैं। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे ऐसे थोड़ा सा बढ़ाकर। और इसकी हम इतनी इतनी साइज की
लोइयां तोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से अब हम खस्ते को भरेंगे। लोहे को हमने ऐसे अच्छे से गोल कर लिया, इसको हम बढ़ा देंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, और इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे। और ये थोड़ा सा हमने फ्राई किया है तो इसका कच्चापन चला गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसकी स्टफिंग रखकर हम इसको ऐसे करके ऐसे दबा देंगे और ऐसे कर देंगे। इनको ज़्यादा नहीं बेलना है। इसी प्रकार से हम सारे भर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सभी खस्ते की लोई भर कर रख ली है। अब हम इनको बेलेंगे और इनको हम पहले ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि खस्ते को ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का सा ही बेलन चलाना है। कुछ इस तरह से बस ऐसे ही हम खस्ते सारे बेल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ देखिए हमने सभी खस्तों को बेल लिया है हल्का सा। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ली है यहाँ पर कढ़ाई, जिसमें हमने ऑयल पहले से ही रख दिया था। पहले हम हाई फ्लेम करेंगे और खस्ता डालते ही हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे, यानी बिल्कुल स्लो कर देंगे। फिर हम स्लो और मीडियम आंच में इनको अच्छे से पकाएंगे, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। अब हम खस्तों को एक एक करके डालेंगे इसमें। अभी तो नीचे बैठ गए हैं, लेकिन ये बहुत जल्द ऊपर आ जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, थोड़ा इनको ऊपर आने देंगे, तभी हम इनको पलटेंगे, पलट कर पकाएंगे। और इनको देखिए हमने पलट दिया है। धीमी धीमी आंच में अगर हम इनको सेकेंगे तो करारे से खस्ते बनकर तैयार होते हैं, और बहुत ही टेस्टी करारे करारे से फूले फूले से खस्ते बनकर तैयार होंगे। इनको हम ऐसे ही मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे। ये देख सकती हैं आप, बहुत फूले फूले से खस्ते बनते हैं इस तरह से। और हम हाई फ्लेम में क्यों नहीं करेंगे इनको, क्योंकि जो ये खस्ते होते हैं इनमें बबल्स आ जाते हैं, फिर देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है खस्तों में, और काफी करारे से खस्ते बनकर तैयार हुए हैं। खस्ते बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे खस्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सारे फ्राई कर, यहाँ देखिए हमने सभी खस्तों को फ्राई कर लिया है। अब इनको हम सर्व करेंगे। हम यहाँ कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। ये देखिए कितने अच्छे खस्ते बनकर बिल्कुल तैयार हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया खस्ते हैं बने हैं। और ये इसकी सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। और ये हरी चटनी, तीखी तीखी सी। और ये टमाटो सॉस, हल्का सा मीठा और खट्टा। और यहाँ पर ये देखिए ये हरी मिर्च, जो हमने सब्जी में ही रख दी थी। लीजिए खस्ते बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं।
एक आपको हम तोड़कर भी दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही परतदार खस्ते बनकर तैयार हुए हैं। और इनको टमाटो सॉस, हरी चटनी और चटपटी आलू के साथ खाइए और मजे लीजिए। अगर ये हमारी रेसिपी सत्तू के खस्ते की और आलू की आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।